ये निरीक्षण जो है वार्षिक निरीक्षण है और हर एक साल किसी न किसी अधिकारी को डीजी साहब की तरफ से एक जिला नॉमिनेट किया जाता है, उसी के तहत में ये दो दिन की वार्षिक निरीक्षण। निरीक्षण जो है ये वार्षिक निरीक्षण है और हर एक साल किसी न किसी अधिकारी को डीजी साहब की तरफ से एक जिला नॉमिनेट किया जाता है, उसी के तहत में ये दो दिन की वार्षिक निरीक्षण पाया हूँ। इस वार्षिक निरीक्षण का जो उद्देश्य है, इसमें पुलिस के जो जिले की वर्किंग है, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, लाइन, ट्रैफिक, जितने तरह के भी काम होते हैं, सभी के बारे में एक समीक्षा करना, पिछले साल के परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, कुछ कमियां हैं तो उसको देखना, अच्छाइयां हुआ तो उसके शाबाशी भी देना, और आगे आने वाले सालों में इसको कैसे सुधार करें वो देखना। कोई बजट दी गई है, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नए थाने स्वीकृत हुए हैं, किस स्टेज पर हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखना होता है। वैकेंसीज की पोजिशन से ये कुल मिला के अपने कार्य को आकलन करने का एक वार्षिक आयोजन है। अब तक क्या आकलन में सुबह सुबह परेड हुई, परेड भी एक पार्ट है। पुलिस लाइन के जो भ्रमण के दौरान जो शस्त्रागार हैं, इक्विपमेंट्स हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स है, कमियां हैं, चलानी घाट है, ये सारी चीज़ें देखा। अभी और अभी लेंगे, दो डेमो दिखाया गया। डेमो का पर्पस है कि वो बेस्ट चीज़ अपनी तरफ से कोशिश करें और दूसरे अधिकारी उसको इमिटेट करें। इन सब चीज़ों को करने का यही उद्देश्य है कि हम अपने कार्य को सुधार की तरफ ले जाएँ। इसके बाद कंट्रोल रूम भी जाएंगे, एसपी ऑफिस की जो इस्टेब्लिशमेंट मैटर्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, क्राइम ब्रांच उनकी चलती है, सुपरविजन का इशूज है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इसके बाद कल ब्यावर सर्किल और ब्यावर थाने का इंस्पेक्शन है, मतलब सभी चीज़ों को देखने का ये माध्यम है। ये कानून व्यवस्था को लेकर बैठक भी लेंगे, हाँ, क्राइम मीटिंग, आफ्टरनून क्राइम मीटिंग भी है। ठीक है सर।